हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कॉटलेन ट्यूटोरियल सीरीज। ये इस ट्यूटोरियल में दूसरा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास के कंसेप्ट को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा है हेलो हेलो गीक्स नाम का एक प्रोग्राम बनाया था जो बिल्कुल बेसिक था और हर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हम सीखते हैं इसको बनाना। तो चलिए अब क्लास के कंसेप्ट को सीखते हैं। उसके लिए हमें एक क्लास बनानी होगी। न्यू पर जाते हैं, कॉटलेन फाइल, यहाँ पर आपको चूज करना होगा क्लास, और मैं यहाँ पर एक ह्यूमन नाम की क्लास बना देता हूँ। आप कुछ भी क्लास बना सकते हैं, कोई भी नाम की क्लास बना सकते हैं। तो एक ह्यूमन का एक नेम होता है, तो एक हमें एक वेरिएबल बना देते हैं ह्यूमन नाम का, वेर। यहाँ पर मैं इस ह्यूमन का एक नेम बना देता हूँ, उसके असाइन कर देता हूँ एक एम्प्टी वैल्यू। यहाँ पर अगर आप दोस्तों कोटलिन में क्या होता है कि जिस टाइप का आप वेरिएबल असाइन करता है उसी टाइप का ये वेरिएबल बन जाता है। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है, पर आपको एक्सप्लिसिटली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ स्ट्रिंग, कि मैं इसको एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको लगाना होगा कॉलन और उसके बाद लिखना होगा स्ट्रिंग। जावा में हमें वेरिएबल टाइप पहले लिखना होता था, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना होता था, पर इसमें कुछ इस तरीके से होता है। तो चलिए अब इसको हम यूज करके देखते हैं कि अपनी क्लास में कैसे यूज करना है। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अब हमें इस ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे, ह्यूमन ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। दोस्तों, ये तो जावा का स्क्रिप्ट है कि इसमें हम जावा में ऐसे करते थे, पर इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले। कोटलिन में हमें थोड़ा अलग तरीके से करना होता है। उसके लिए हमें करना होगा वेर, और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का नेम देना होगा। चलिए इसको देता हूँ माई, और उसके बाद हमें डायरेक्ट लिखना होता है क्लास का नेम, और हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। कितना कोड बहुत छोटा हो जाता है कोटलिन में, तो ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। आप सीखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप थोड़े दिनों में आप सोचेंगे कोटलिन तो जावा से बहुत अच्छी है। वैसे आपको बता दूं, ये एक नई लैंग्वेज है जो जावा को बहुत ही पावरफुल बना देती है, और भी पावरफुल बना देती है और ईजी कर देती है उसको यूज करने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। अब हम इस क्लास के वेरिएबल को नेम असाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें करना होगा ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होगा, उसके बाद वेरिएबल को एक्सेस करना होगा नेम, और उसके बाद हम इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं असाइन कर देता हूँ अपना नेम गगन, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। उसके बाद हमने इस वैल्यू को असाइन कर दिया। यहाँ पर हमारी वैल्यू थी एम्प्टी स्ट्रिंग थी, हमने यहाँ पर नेम असाइन कर दिया। अब इसको प्रिंट करना है, तो हमें करना होगा प्रिंट ln मेथड का यूज। उसके अंदर हम इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को असाइन एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें लिखना होगा माई डॉट नेम। उसके बाद चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, आपको आउटपुट में मिलना चाहिए गगन। यस, आपको आउटपुट में मिल गया मेरा नाम, जो कि आपने इसको असाइन किया था। आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉन्कैटिनेशन वर्क करता है या नहीं। दिस इज, या फिर हम लिखते हैं माई नेम इज, उसके बाद आपको लिखना होगा प्लस। चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे जावा में होता था सेम, ऐसे ही इसमें भी कॉन्कैटिनेशन अलाउ है और इसमें सपोर्ट करता है बिल्कुल। और इसमें जावा की तरीके से तो ये सपोर्ट करता ही है, कोटलिन में पर एक नया खास तरीका जो है वो आया है कि आप इस पूरी के पूरे लाइन को एक स्ट्रिंग की तरीके से लिखे, और आपको जो कीवर्ड जो भी वैल्यू यहाँ पर चाहिए, अगर आप ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा डॉलर, और उसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा जिस भी आपको ऑब्जेक्ट की वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं उसको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं, उसके बाद रन करते हैं। यस, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा माय नेम इज गगन। यहाँ पर इतनी ये स्ट्रिंग है, हमने इस पूरे कोड को स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, पर जिस कोड को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको हमने डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।